हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं हूँ दिल्ली की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है इंडिया गेट। ये सेंट्रल दिल्ली में है और बहुत अच्छा है। यहाँ आप एक बार ज़रूर आ सकते हैं। वैसे तो कई बार आ सकते हैं, मैं तो यहाँ कई बार आता हूँ, लेकिन आज मैं आपको पूरे इंडिया गेट की सैर कराऊंगा और बताऊंगा इंडिया गेट के बारे में पूरी हिस्ट्री आपको। इंडिया गेट आपको मैं अभी दोपहर में भी दिखाऊंगा और रात का सीन भी दिखाऊंगा कि रात को इंडिया गेट कैसे दिखता है। तो अभी मैं इंडिया गेट पहुंच चुका हूं। मेरे सामने ये देखिए, ये देखिए, ये है इंडिया गेट और यहाँ ये राजपथ है पूरा। ये राजपथ है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड ये चेयर्स लगी हुई है इस तरफ भी। तो अभी 26 जनवरी थी, गणतंत्रता दिवस था, वो अभी गया है, तो इसकी वजह से लगी हुई है। यहाँ पे परेड देखने लोग आते हैं और यहीं पे लोग बैठते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों साइड। और ये राजपथ, इसको राजपथ बोलते हैं ये पूरा। तो चलो चलते हैं आगे इंडिया गेट की तरफ, दिखाता हूँ आपको पास से। ये मैं आ गया बिल्कुल इंडिया गेट के पास, ये। और इस इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं बहुत सारे नाम, इनके बारे में बताता हूँ आपको। और यहाँ पे दिखाता हूँ, अमर जवान ज्योति जल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अब आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड। ये है इंडिया गेट, इंडिया गेट के जस्ट बगल में है ये फाउंटेन। ये देखिए, तो पास में देख रहे हैं आप यहीं पे, तो चलिए पास चलते हैं उसके। ये है फाउंटेन, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर। इसके आप उधर भी जा सकते हो, उस तरफ और इस तरफ भी जा सकते हो, और यहाँ से फिर बाहर निकल सकते हो। तो चलिए थोड़ा उस तरफ चलते हैं। अभी आपको इसका रात का सीन भी दिखाऊंगा कि रात को ये कैसे दिखता है। मैं रात तक रुकने वाला हूँ यहीं पे, तो आपको रात का सीन भी दिखाऊंगा। फिलहाल पहले अभी दिन का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरफ बहुत सारे लोग हैं, आज भीड़ बहुत है, संडे है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इंडिया गेट भी, उसके सामने ये फाउंटेन। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। अब दिखाता हूँ आपको रात का सीन। टन टन, ये देखिए, ये है रात का सीन, ये रात का नज़ारा। रात को इंडिया गेट ऐसे दिखता है। ये देखिए हमारे पूरे सारे तिरंगे के कलर, सबसे ऊपर नीचे ये लाइट जली हुई दोनों साइड, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही गजब। ये आप कभी मिस मत करना, जब भी आप दिल्ली आओ ज़रूर रात को आप इंडिया गेट ज़रूर आएँ। और यहाँ पे आके आप, अगर आपका फ्रेंड ग्रुप है या फैमिली ग्रुप है, तो आप रात को आके यहाँ पे छोटी मोटी किटी पार्टी भी मना सकते हो। कि यहाँ पे अगल बगल में जैसे ये पार्क हैं दोनों साइड, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो आप पार्क में बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और फैमिली के साथ आप बैठ सकते हो। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, इवनिंग में तो बहुत ही गजब का, यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए आप रात का सीन। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट सेंट्रल दिल्ली में है, जैसे कि आप देख रहे हैं राजपथ पे है, जिसकी ऊंचाई 42 मीटर है। और इंडिया गेट को अखिल भारतीय स्मारक भी कहा जाता है। हाँ जी, इसका जो प्राचीन नाम है वो है अखिल भारतीय स्मारक। और राजपथ को प्राचीन समय में किंग्सवे भी कहा जाता था। किंग्सवे यानी कि राजाओं का जो रास्ता होता है उसे किंग्सवे कहा जाता था, तो इसीलिए इसका नाम पहले किंग्सवे था राजपथ का। और इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा 82,000 यानी 82,000 भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे, उनके नाम पर ये इंडिया गेट बनाया गया उनकी स्मृति में। और इंडिया गेट पे सैनिकों के नाम लिखे गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में और अफगान युद्धों में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक राइफल के ऊपर एक सैनिक की टोपी रखी गई है और उसके बगल में अमर जवान ज्योति जल रही है, यानी एक आग जल रही है लौ।
और ये जो अमर जवान ज्योति है ये 24/7 जलती रहती है। अमर जवान ज्योति उस टाइम नहीं बनाई गई, जलाई गई जिस टाइम इंडिया गेट बन के तैयार हुआ। अमर जवान ज्योति जो है 1971 में जो इंडो पाक युद्ध में शहीद हुए थे जो सैनिक, उनके नाम पे ये काले संगमरमर पत्थर से बनाई गई। और 1972 में गणतंत्र दिवस के दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे जलाया था। और तब से लेकर अब तक ये अमर जवान ज्योति 24/7 जलती रहती है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा और पुराने इतिहास की, इंडिया गेट के बारे में, ये राजपथ के बारे में। 1920 में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो पूरे शहर में सिर्फ एकमात्र रेलवे स्टेशन था उस टाइम पे, आगरा और दिल्ली के बीच की जो रेलवे लाइन थी वो पहले किंग्सवे यानी राजपथ और यहाँ पे जो इंडिया गेट है इसके बीच से गुजरती थी। लेकिन फिर बाद में रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास शिफ्ट कर दिया गया और फिर इंडिया गेट का जो निर्माण कार्य था वो शुरू हुआ। इंडिया गेट को बनने में पूरे 10 साल लगे। हाँ जी, 10 साल। 10 फरवरी 1921 में इसका काम शुरू हुआ और 12 फरवरी 1931 में इसका काम ख़त्म हुआ, यानी 1931 में ये बनके तैयार हुआ। और इंडिया गेट से बहुत सारे मार्ग गुजरते हैं, जिनमें सबसे मुख्य हैं मानसिंह रोड, जनपथ, संसद मार्ग, ये सबसे मेन है। इसके अलावा बहुत सारे रोड हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। और इंडिया गेट पे बच्चों के लिए भी बहुत इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे साधन है। यहाँ पे पार्क हैं, अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे आइसक्रीम के यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, फ्रूट चाट के स्टॉल लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 26 जनवरी के दिन जो गणतंत्र दिवस होता है उस दिन पे यहाँ पे परेड होती है। और इंडिया गेट की परेड जो है पूरा भारत जो है लाइव देखता है, जैसे कि आपको पता होगा, आप भी देखते होंगे। तो आप लोग जब भी आप दिल्ली आएँ तो ज़रूर ज़रूर आप इंडिया गेट ज़रूर आएँ, बच्चों को लेके आएँ। और इवनिंग में यहाँ का नज़ारा ही गजब का होता है। यहाँ पे आप आके पार्क में बैठ सकते हैं, पार्क में बैठ के आप बच्चों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ज़रूर 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 आएँ। आज की वीडियो मैंने दिखाई आपको पूरा इंडिया गेट दिन में भी और रात में भी कैसा लगता है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपके कुछ अगर सुझाव या आपके कुछ सजेशन है। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।